आज की इस वीडियो में आपको मोबाइल के 8 सुपर कूल ट्रिक्स बताऊंगा और लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा। क्या वाव कहने को या वीडियो को लाइक करने के बारे में एक बार सोचेंगे? तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला ट्रिक है सिर्फ अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप सेफ मोड को एक बार इनेबल करके हटा सकते हैं, इससे आपका मोबाइल पूरा अच्छे से ठीक हो जाए। तो सेफ मोड को आपको इनेबल करने के लिए सबसे पहले पावर बटन को दबा कर रखना होगा और फिर पावर ऑफ वाले ऑप्शन पे थोड़ा देर होल्ड करके रखना, करीब तो सेफ मोड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप ये दबाएंगे तो आपके जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो सब डिजेबल हो जाएंगे लेकिन सिस्टम एप्लीकेशन रहेंगे। और फिर अगर आप वो सेफ मोड हटाना है तो आपको दोबारा से मोबाइल को रिबूट करना होगा, इससे सेफ मोड हट जाए। हमारा दूसरा ट्रिक है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आपको मोबाइल को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा और वहाँ पे अबाउट फोन के सेक्शन में जाके बिल्ड नंबर पे बहुत बार क्लिक करना होगा। मेरा पहले से डेवलपर ऑप्शन इनेबल है इसलिए मेरे में लिखा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं इसमें आपको दो ट्रिक बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाकर सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन में चार्जिंग इनेबल कर देंगे तो आपका मोबाइल स्पीड में चार्ज होने लगेगा। और अगर आप इसके लास्ट ऑप्शन में जाके फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल कर देंगे अब एक साथ बहुत सारे ऐप्स एक ही स्क्रीन पर चला सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में आप एटमोस्ट 1 प्रोसेस कर देंगे तो आपको बहुत सारे चार्जिंग और डाटा बच सकता है और मोबाइल हैंग भी नहीं करेगा। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स इसके बता दिए हैं लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। और तीसरा ट्रिक है स्प्लिट स्क्रीन। अगर आप कोई ऐप ओपन करते हैं जैसे कि मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और उसके सेकंड ऐप में जाके आप अगर इसको होल्ड करके उसका ऐसे ड्रॉग करके ड्रॉग हेयर टू यूज स्प्लिट स्क्रीन पर छोड़ देते हैं तो आपको वो आधा स्क्रीन में बढ़ जाता है। और फिर अगर आप होम बटन दबा के जैसे मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ तो क्रोम ओपन करते हैं मतलब कोई भी दूसरा ऐप ओपन करते हैं तो आपका दोनों चीज हाफ स्क्रीन में चलने लगता है। जैसे कि देख लीजिए क्रोम इधर चल रहा है इधर कैलकुलेटर चल रहा है। अब स्प्लिट स्क्रीन का यूज करके स्क्रीन को दो भाग में बांट सकते हैं। अगर आपको दो से ज़्यादा ऐप्स एक साथ चलाने हैं आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा, जैसे कि मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा जैसे कि मैंने पिछले ट्रिक में बताया था, उस पर जाके लास्ट ऑप्शन को इनेबल करके एक बार अपने मोबाइल को रिबूट करना होगा। और मोबाइल को रिबूट करने के बाद आपको कुछ ऐप डाउनलोड करने होंगे, आप चाहे तो टास्क बार डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे तो फ्लोटिंग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फ्लोटिंग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम बहुत सारे ऐप्स एक टाइम पे चला सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको क्रोम और कैलकुलेटर दिखाता हूँ, ये रहा क्रोम। अगर आप और ऐप्स चलाना है जैसे मैं कैलकुलेटर कैलकुलेटर जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोम और कैलकुलेटर और जितने भी चाहें आप उतने यूज कर सकते हैं। और आपके मोबाइल के साइज पे और प्रोसेसर पे निर्भर करता है कि आपका मोबाइल कितना स्पीड चलेगा और कितना अच्छा से चलेगा। तो यही हमारा तीसरा ट्रिक। चौथा ट्रिक है स्मार्ट लॉक। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी पे ऑप्शन में जाके स्मार्ट लॉक पर क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड टाइप करना होगा जो आपका पासवर्ड है। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन ऑन बॉडी डिटेक्शन, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे तो जब जब आपके पास आपका मोबाइल रहेगा तब तक इसका लॉक अनलॉक रहेगा और जब ये आपके पास नहीं रहेगा तो ये लॉक हो जाएगा। और ट्रस्टेड प्लेस अगर आप इनेबल करते हैं तो इसमें आपको लोकेशन सेट करना रहता है और इसमें जब आपका मोबाइल एक पार्टिकुलर लोकेशन पे अनलॉक रहेगा। और ट्रस्टेड डिवाइस में अगर आपका मोबाइल किसी मतलब आप अगर जो डिवाइस सेट करेंगे अगर उस डिवाइस के पास आपका मोबाइल रहेगा तब ये अनलॉक रहेगा। और ट्रस्टेड फेस में
ये आपका फेस देखेगा, फेस स्कैन करेगा। अगर आप अगर देखेगा कि आपका फेस है तो ये मोबाइल अनलॉक कर देगा। मान लीजिए आपके दोस्त को आपका फ़ोन चाहिए और उसको उसमें क्रोम ब्राउजर यूज करना है, पर आप चाहते हैं कि वो आपका पर्सनल डाटा ना देखे और फोटो मतलब बहुत सारे पर्सनल डाटा ना देखे, तो आप इसके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं, जिससे वो सिर्फ क्रोम ब्राउजर चला पाएगा और मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर ऐप चला पाएगा और कोई दूसरा ऐप नहीं चला पाएगा। इसको इनेबल करने के लिए जैसे कि मेरे दोस्त को क्रोम ब्राउजर यूज करना है, मैं क्रोम को ओपन कर लूँगा और फिर इसको हटा कर होम बटन पर क्लिक करके फिर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और इसमें जाके सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाके सबसे नीचे जाके स्क्रीन पिनिंग के ऑप्शन पे इनेबल कर दूंगा और आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग कर दूंगा। और जैसे मैं रेकेंट ऑप्शन पे जाऊंगा और उसमें जैसे क्रोम ब्राउजर है, मैं क्रोम ब्राउजर के पिन पे क्लिक कर दूंगा। क्रोम ब्राउजर पिन्ड हो गया, तो अगर कोई भी आदमी बैक बटन दबा के या कहीं और जाके यूज करना चाहे दूसरा ऐप, तो वो नहीं यूज कर पाएगा या वो नोटिफिकेशन बार में भी नहीं जा पाएगा। और अगर आपको इसको हटाना है तो आपको रेकेंट ऐप और बैक बटन को एक साथ दबाना होगा। जैसे देखिए हट गया है और फिर आप फिर अगर वो दूसरा चाहेगा तो पासवर्ड लगा है तो आपको यूज नहीं कर पाएगा। वैसे ही आप स्क्रीन पिनिंग करके अपनी सिक्योरिटी को बचा सकते हैं। और छठा ट्रिक है हिडन कैलकुलेटर। हिडन कैलकुलेटर एक ऐप होता है जिसकी मदद से आप अपने फोटोज और वीडियोज को हाइड करके रख सकते हैं। अगर कोई ऐप कोई आदमी अगर कैलकुलेटर ओपन करेगा तो उसको लगेगा सिर्फ एक कैलकुलेटर है और उसमें बहुत सारे फोटोज छुपे हो सकते हैं। जैसे कि आपको उसके लिए प्ले स्टोर पर जाना है और हिडन कैलकुलेटर सर्च करना है और उसमें आप जो ऐप चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला ऐप इंस्टॉल करके रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ओपन करना है, आप अगर ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले पासवर्ड सेट करने के लिए होगा और इक्वल बटन, जैसे कि मुझको एक पासवर्ड सेट करना है 2004 और उसके बाद मैं इक्वल दबा दूंगा, पासवर्ड सेट हो गया है। और फिर आपको दोबारा से पासवर्ड वो करना है और फिर इक्वल दबाना है, तब आपका और आपका पासवर्ड अब कन्फर्म हो गया है। तब इसको आपको इसको स्टोरेज का अलाउ कर देना है और आप इसमें बहुत सारे फोटोज और वीडियो डाल सकते हैं और कोई भी आपके इस फोटोज और वीडियोज को देख नहीं पाएगा। तो और अगर आपको पहले इसमें बर्थ प्लेस अपना, जैसे कि मैंने बिहार लिख दिया है, जैसे देखिए हो गया। और इसमें मैं जितना भी चाहूँ उतने चीज अब जितने भी चाहूँ, जैसे कि मैं इसमें पिक्चर्स डाल सकता, वीडियो डाल सकता, कोई भी फाइल्स डाल सकता और फिर मैं बैक कर सकता। तो कोई भी अगर इस कैलकुलेटर को ओपन करेगा तो उसको लगेगा कि सिंपल सा कैलकुलेटर है तो यूज करेगा। और अगर आप अपना पासवर्ड दबाएंगे, जैसे कि मैं इसको हटा रहा हूँ, तो पासवर्ड दबाएंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो आपका गैलरी खुल जाएगा, उसमें आपका बहुत सारे जो फाइल्स है वो रहेंगे। आप भी इसको यूज कर सकते हो अपने फाइल्स को। और सातवां ट्रिक है वॉइस एक्सेस। अगर आप प्ले स्टोर पर जाके वॉइस एक्सेस सर्च करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे, मैंने डाउनलोड कर दिया है और फिर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप मोबाइल को छूने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो जो कहेंगे मोबाइल वो करेगा। आप मोबाइल को दूर रख देंगे कहीं पे और फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको कमांड देते जाना है। आपको मोबाइल पर बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे अगर आप इसको इनेबल करेंगे, आप जो नंबर बोलेंगे वो नंबर क्लिक हो जाएगा। आठवां ट्रिक है वर्चुअल रियलिटी। अगर आप पावर बटन को होल्ड करके रखेंगे और इस पर वीआर मोड को इनेबल कर देंगे तो आपका स्क्रीन दो भाग में बढ़ जाएगा और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस यूज कर, इसके लिए आप वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस यूज कर सकते हैं जिससे आपको काम करने में बहुत ईजी लगेगा। और आप चाहे तो इस पर यूट्यूब चला के वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको, और वर्चुअल रियलिटी डिवाइस यूज कर सकते हैं जिससे आपको पूरा रियलिस्टिक लगेगा। और यूट्यूब में भी ये ऑप्शन होता है जिसमें आपको अलग टाइप का, अगर आपको उसको ऑफ करना है तो दोबारा से पावर बटन को दबा के और फिर वीआर मोड को ऑफ करना होगा। तो देखिए ऑफ हो गया। अब टाइम है हमारे बोनस ट्रिक की। हमारा बोनस ट्रिक है हिडन गेम्स। आपके मोबाइल में लगभग 10 से ऊपर हिडन गेम्स होंगे, तो मैं आपको अपना पहला हिडन गेम बताने जा रहा हूँ। हमारा पहला हिडन गेम क्रोम में है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल का क्रोम ओपन करना होगा।
अपने मोबाइल डाटा को बंद करके रखना। फिर आपको फेसबुक या कोई भी वेबसाइट पर सर्च करना होगा, आपको एक डायनासोर मिलेगा। अगर आप उस डायनासोर पर क्लिक करेंगे एक गेम स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम डायनासोर रेक्स है, और उसमें बहुत सारे कैक्टस आएंगे। आप अगर स्क्रीन पर टैप करेंगे तो कैक्टस पर से कूद जाएगा और आप जीत जाएंगे। अब टाइम है हमारे दूसरे गेम की। हमारा दूसरा गेम है फेसबुक का गेम। इसके लिए आपको अपना डाटा ऑन करके रखना होगा, अपने फेसबुक ऐप में जाना होगा जैसे कि मैं जा रहा हूँ, और उसमें जाके आपको सबसे साइड वाले स्क्रीन पे जाना होगा, और उसमें आपको गेम्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप गेम्स पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी गेम्स आ जाएंगे। आप चाहे इसमें कोई भी गेम खेल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको खेल कर दिखाता हूँ जिसमें लूट, जैसे ये गेम किलर एसोसिएशन। अगर मैं इस पर प्ले दबाऊंगा, जैसे देख सकते हैं एक गेम आ गया है। अब मैं अब इस गेम को खेल सकता हूँ, तो देख सकते हैं आप मैं इस गेम को खेल सकता हूँ। गेम लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, गेम लोड हो गया। अब प्ले पे दबाऊंगा, देख जैसा कि आप देख रहे हैं गेम स्टार्ट हो गया और मैं इसको खेल पा रहा हूँ। ऐसे ही आपके मोबाइल में बहुत सारे हिडन गेम्स हैं, आप जितने भी गेम्स चाहे खेल सकते हैं। और एक और टाइप का गेम है सेटिंग्स। आप अगर अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे और उसमें जाके अबाउट फोन के सेक्शन में जाके एंड्रॉयड वर्जन के बहुत बार क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के वर्जन का लोगो आ जाएगा। उस पर बहुत बार क्लिक करने के बाद उस पर होल्ड करके रखना है, एक गेम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल का वर्जन 7 है तो उसमें एक कैट वाला गेम आएगा। ये सब मोबाइल के वर्जन पर डिपेंडेंट है कि उसमें कौन सा गेम आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ कौन से वर्जन में कौन सा गेम आएगा, आप देख सकते हैं। हमारे ट्रिक से ही ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ और आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया है।